और गाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के एक सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा लताड़ दिया है। अब क्यों लताड़ दिया है? तो लताड़ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो सीजेएम साहब थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी, उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ फर्जी FIR फाइल कर दी थी। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि अपने पोस्ट, अपने पद का इन्होंने गलत इस्तेमाल करके, पर्सनल कैपेसिटी में इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी गद्दी, कुर्सी और डिग्निटी को नीलाम कर दिया है खुद से ही, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, एज अ जज आपके शोल्डर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होने चाहिए, कि मतलब अगर एक जज को कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है तो उनके शोल्डर इतने ब्रॉड हो कि वो उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार कंटेम्प्ट की नोटिस नहीं देती है। और ठीक इसी तरह एक जज को बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको अपने पद का इस्तेमाल करके अपने लिए फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। अब बेसिकली इस केस में यही होता है कि ये जो जज साहब होते हैं, इन ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पब्लिक ऑफिशियल से कुछ अपना काम करवाना चाहते थे, पर्सनल काम, लेकिन जब इन ऑफिशियल्स ने इनकी बात नहीं सुनी तो इन्होंने फर्जी केस करने की सोची इनके ऊपर। अब यहाँ पे जो सीजेएम की बात हो रही है, सीजेएम का नाम है भगवान दास गुप्ता, जिन्होंने बिल्कुल भगवान वाला काम नहीं किया है और इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट फाइल करते हुए काफी सारे फर्जी चार्जेस लगाए, जैसे फ्रॉड, चीटिंग, एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाए इन ऑफिशियल्स के ऊपर, और अपने फाइनेंशियल और पर्सनल फायदे के लिए इन्होंने अपनी गद्दी, रेपुटेशन सब बेच खाई। तो यहाँ पे गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना यह था कि जज का मतलब जज बनना है अगर आपको, तो आप मतलब काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो आप जज बनने के लायक नहीं हो। अब चलिए डिटेल में जानते हैं इस केस में हुआ क्या था। तो देखिए, जो सीजेएम होते हैं भगवान दास गुप्ता, ये 2009 में, पहले तो ये बैंडा के ये सीजेएम है, तो 2009 में ये लखनऊ में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज करते हैं। अब 2013 में इनको बाद में चल के पता चलता है कि मतलब जब इनको नया बिजली का कनेक्शन अपने नाम पे लेना था, तब इनको पता चलता है कि उस घर में 1,66,000 के अराउंड, मतलब 1.5 लाख के ऊपर वहाँ पे बिजली का बिल पेंडिंग था। तो इसको देख के इनके मतलब जमीन हिल गई, फिर ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रीच आउट करते हैं कि भैया बिजली बिल का माफ कर लो, अपने लेवल पे देख लो। डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं क्योंकि भाई अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको कैसे गायब कर दे। अगर आपको नया कनेक्शन लेना है तो ये जो पुराना वाला ड्यू है उसको आप क्लियर आउट कर दीजिए, नया कनेक्शन अपने नाम पे ले लीजिए। तो इस पे यहाँ पे जज साहब का ईगो हर्ट हो जाता है और जज साहब के हिसाब से इन्होंने मेरी बात कैसे काट दी, अब तो इनकी ऐसी की तैसी। तो जज साहब क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं, चीटिंग, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा, ये सारे चार्जेस लगा के इस केस में अक्यूज बनाते हैं इस घर के जो प्रीवियस ओनर थी, मालकिन थी, उनके जो पति देव थे, हस्बैंड थे उनको, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है इनके जो ऑफिशियल्स थे जिनसे इनकी बात हुई थी उनको भी इसमें फांसे में लपेट लिया। अब यहाँ पे गाइस जो पब्लिक ऑफिशियल्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं उनका तो कहना है भैया हमने क्या गलती कर दी, हम तो बस मात्र अपना काम ही कर रहे थे, जो पेमेंट ड्यू का बाकी था वही हम मांग रहे थे, इनको पता नहीं कौन सी बुरी बात लग गई। तो जब ट्रायल कोर्ट में यहाँ पे बात जाती है तब ट्रायल कोर्ट देखती है कि यहाँ पे कोई सब्सटेंटिव केस बन नहीं रहा है, तो इस केस को वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। अब जज साहब, उनको तो लॉ की जानकारी है ना, तो उनको दूसरी रेमेडी दिखी, वो चले गए कंज्यूमर फोरम, वहाँ पे भी इनको भी राहत नहीं मिलती है। फिर ये क्या करते हैं कि खुद से ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में FIR लॉन्च कर देते हैं अगेंस्ट दीज पब्लिक ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो इस केस में थे जिन्होंने FIR लिखी थी, बाद में पता चला कि उनसे भी जाके पर्सनल कैपेसिटी में जाके बात किया कि FIR लिख लीजिए, ये सब चीजें बाद में सामने आई। फिर ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं केस को क्वाश करवाने के लिए कि भैया हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, पुराने ड्यूज की पेमेंट करो, नया कनेक्शन ले जाओ, बाकी हमको कोई दिक्कत है नहीं। तब हाई कोर्ट ने यहाँ पे देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे अपने सीजीएम पद होने का इन्होंने कितना ज्यादा गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छोटी सी गाइडलाइन भी दी और वो ये है कि अगर जुडिशियल, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर FIR करवानी है तो उनको वहाँ के अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को पहले इन्फॉर्म करना होगा, और जब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है अपनी एसेंट दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तब यहाँ पे FIR लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अगर केस बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला है, जैसे मर्डर वर्डर हो गया, रेप हो गया, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है उनके कंसेंट के लिए। तो यहाँ पे गाइस इस केस में कुल मिला के बहुत ही आराम से देख रहा था कि फर्जी केस बनाया गया है, फर्जी एलिगेशन लगाया गया है। हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर आप इतने ज्यादा इच्छुक हो कि ये जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप घुटने टिकाना चाहते हो, तो आप एक काम करो कि आप जब तक सीजीएम की कुर्सी बैठे रहोगे तब तक ये आपके ऊपर शोभा नहीं देगा, आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए, एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट बन के पूरा केस लड़िए, केस जीतिए और घुटने पे टिका दीजिए। ये सब फर्जी वाला सीजीएम की कुर्सी पे शोभा नहीं देता है। तो गाइस ये थी पहली न्यूज, आपका इसके ऊपर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए।